हे नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम आज यहाँ बात करने वाले हैं गूगल पे के ऊपर कि दोस्तों आप गूगल पे के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो और सिंपली अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हो गूगल पे के ऊपर और पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को ईजिली। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि दोस्तों अगर आप चैनल पर आए तो बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पे। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और कुछ नया सीख सकें। तो दोस्तों यहाँ पे हम गूगल पे ऐप को इजीली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पूछेगा लैंग्वेज, तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करके ऊपर दोस्तों कोपरे में राइट साइड में एक एरो दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि दोस्तों जो आपका बैंक अकाउंट है जिस नंबर से लिंक है सिंपली आप यहाँ पे वो नंबर डालकर यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ और वेरीफाई कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम कर देते अलाउ और अलाउ और अलाउ। तो दोस्तों अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका ईमेल। दोस्तों यहाँ पे आप कौन सा भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल दे देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे सिंपली आपको दो बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो दोस्तों प्रोसेस होने के बाद दोस्तों यहाँ पे उस नंबर का OTP आएगा आपके मोबाइल पे। अगर आपके मोबाइल में वो सिम होगा तो दोस्तों अपने आप इसमें वेरीफाई हो जाएगा आपका OTP। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा चेकिंग OTP हो रहा है क्योंकि दोस्तों इस नंबर पे आ चुका है हमारा OTP। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है OTP और वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि दोस्तों आपको लॉक कौन सा रखना है, यूज़ योर स्क्रीन लॉक पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, नहीं तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम अपना स्क्रीन लॉक दे देते हैं 000 और यहाँ पे हम कर देते हैं आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों सिंपली आपका आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा और यहाँ पे आपसे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस देगा, आपको बस स्क्रीन पर 3 बार टैप कर देना है। यहाँ पे हमें करना है अब बैंक अकाउंट को लिंक। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आपको जो आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे सर्च करना है। सिंपली सर्च करने के बाद उस बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, मतलब बैंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो जैसे ही बैंक आएगा आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, हमें कर देना है अलाउ और ओके कर देना है। और दोस्तों कुछ समय में सेंडिंग SMS फॉर वेरीफाई करेगा। दोस्तों आपके उस सिम में आपको 1 रुपये बैलेंस होना जरूरी है तभी वेरीफाई हो पाएगा। तो यहाँ पे तीनों हमारे हो चुके हैं वेरीफाई और आगे का हमें प्रोसेस करना है। दोस्तों यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड का नंबर देना, अगर आपके पास होगा तो देना है जरूरी है दोस्तों, वो होना जरूरी है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम जाते हैं बैक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, बाद में मैं कर लूँगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे जाते हैं बैक और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों हम बैक आ चुके हैं यहाँ पे हम बात करके दोस्तों पैसे मनी कैसे ट्रांसफ़र करें, रिचार्ज कैसे करें, अपने बिल्स कैसे पे करें और अपने फ्रेंड्स को कैसे मनी ट्रांसफ़र करें और बैंक में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है, मोबाइल रिचार्ज। यहाँ पे जैसे मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर नीचे बहुत सारे सिम के लोगो दिख रहे होंगे, वहाँ पे आपको जो सिम होगा वहाँ पे क्लिक करके जितने का रिचार्ज कर सकते हो उतना कर सकते हो। यहाँ पे बिल्स पे क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, मोबाइल बिल्स, यहाँ पे बहुत सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों UPI ID और QR, यहाँ पे आप इससे भी कर सकते हो सिंपली। दोस्तों अगर आपको मैंने तो बता दिया कि दोस्तों आपको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही था, तब तक के बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।